दो पॉइंटों पे बोलूंगा। पहला पॉइंट देखिए यह है कि हमारे देश के अंदर स्टेट्स के अंदर बहुत बार पहले भी हुआ है पिछले 50-60 सालों में कि स्टेट्स के अंदर लेफ्ट कांग्रेस से लड़ा है, कुछ अन्य राज्यों में बाकी चीज़ें हुई हैं, लेकिन केंद्र की राजनीति में सेकुलरिज्म को कायम करने के लिए सब एकजुट हुए हैं और केंद्र में सरकारें बनी हैं। तो अगर राज्यों के अंदर आज जो आपको डिसयूनिटी दिख रही है, इसको ऐसा ना एनालिसिस किया जाए कि जब 2024 के चुनाव होंगे तो वहां भी यही होगा, या जब तब सरकार बनाने का टाइम आएगा तो रिफ्लेक्ट होगी। और मैं ऐसे कई केसेस, आप यू आर अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ऑल्सो, बड़े सीनियर हैं आप अमीश, आपने खुद देखा है पहले ये चीजें हो चुकी है इस देश में। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, INDIE इज गोइंग वेरी स्ट्रांग, आपने सही कहा, कमेटियां बनाई जा चुकी हैं मीडिया को लेकर के, तो जी 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 तो जो जो बात आपने बोली बिल्कुल सरकारें बनी है, लेकिन वो सरकारें चली कैसे हमने वो भी देखा है, वो सरकारी चली कैसे है वो भी हमने देखा है। लेकिन असीम वकार, थर्ड फ्रंट फोर्थ फ्रंट याद करिए पिछले चुनाव, बिल्कुल वो सरकारें चली कैसे है, चाहे आई के गुजरात साहब की सरकार रही हो, चाहे देवेगौड़ा साहब की सरकार रही हो, चाहे वीपी सिंह जी की रही हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह का फर्स्ट हाफ रहा हो या सेकेंड हाफ रहा हो, हमने देखी है वो सरकारें कैसे चली है। अटल जी के हमने फर्स्ट हाफ को देखा है, सेकेंड हाफ को देखा है कैसी सरकारें चली है, लेकिन खासतौर पर ये तीसरे चौथे मोर्चे की सरकारें कैसे चली है ये तो खास तौर पर देखा है, जो चल भी नहीं पाई है। मैं असीम वकार का रुख करता हूँ। असीम वकार, ये कहानी इतनी आसान है जितनी दिखाई दे रही है, क्योंकि अखिलेश जी एक सीनियर नेता है और उत्तर प्रदेश सूबे के फॉर्मर CM है, वो एक बार ही नहीं कई बार कह चुके हैं, और कांग्रेस के कई सीनियर नेता क्या उनके बारे में बोल चुके हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। 40 सेकंड शार्प रिप्लाई, यू आर द स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, आपने तो बड़े इल्जाम देखे, बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम, एफ टीम, आज कौन किसकी टीम है? नहीं नहीं देखिए, मैं बताऊं आपसे, आपके चैनल पर इससे पहले भी मैं इस डिबेट पे दो बार रहा, मैंने तो इस बात की घोषणा कर दी थी जब ये गठबंधन बना था और बड़ा खुशनुमा माहौल में चल रहा था, तभी मैंने आपके यहाँ बैठकर कहा था ये बात। तो मैं इस पर, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं कि मैं इस पर टिप्पणी करूँ या इस पर बात करूँ बैठकर। मैं एक आपका ध्यान थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने एक व्हाट्सएप कॉल के ऊपर बात होते हुए भारतीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी का एक वीडियो डाला, वो देखा होगा आपने वीडियो, नरेंद्र तोमर जी का, अमीश भाई, मैं समझता हूँ बड़े पत्रकार हैं, बड़ा चैनल है, ईडी उसको क्यों नहीं देख रही है? एक साहब ने मुझसे सवाल पूछा कि ईडी की नज़र उस पर नहीं पड़ी, हमने नहीं पड़ी थी, ईडी को वो वीडियो दिखाया गया था, तो ईडी के चीफ कहने लगे बहुत दिन से तबीयत खराब है मेरी, कई दिन हो गए हैं मुझे, आंखों से धुंधला दिखाई पड़ रहा है, कान से सुनाई नहीं पड़ रहा है। मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि आप बेड रेस्ट कीजिए, और जब तक के इस वीडियो पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई आदेश ना आए तब तक आप घर से बाहर ना निकलिए। ठीक है, जवाब गौरव भाटिया, जवाब। पहली बात तो सैयद वकार को ये पता होना चाहिए कि जिस तथाकथित वीडियो की वो बात कर रहे हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर जी का नहीं है। तो मैं आपत्ति भी दर्ज करता हूं और उम्मीद करता हूं जब इनकी बारी आएगी तो माफी मांगेंगे कि इन्होंने गलत तथ्य रखा। ये जो तथाकथित वीडियो आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति है जो नरेंद्र सिंह तोमर जी का बेटा है, ये बताया जा रहा है। आपको मालूम है नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे ने स्वयं एक कंप्लेंट दी है और पुलिस ने उस पर FIR दर्ज करी है और कार्रवाई कर रहे हैं। हम सब जानते हैं किस तरह से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है, इसीलिए उनका डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट ये कर रहा है। लेकिन तब भी आपको कम से कम नाम लेते वक्त इतना ध्यान में रखना चाहिए कि उस वीडियो में क्या है, और एक मंत्री का नाम लेके आप ये कहें वो वीडियो आया है या आपत्तिजनक है, क्योंकि तथ्यात्मक तौर पे ये सही नहीं है। सही कहा आपने कि उसमें उनका, मैं चैनल की तरफ से भी बोल दूं, नरेंद्र सिंह तोमर का वो वीडियो नहीं है, वो वीडियो तथाकथित बताया जा रहा है उनके सुपुत्र का, लेकिन उसको लेकर भी एक पुलिस कंप्लेंट हुई है और बाकायदा ये कहा गया कि AI मैन्युफैक्चर्ड वो वीडियो है। अभी उसकी जांच पड़ताल हो रही है, इसलिए ये जानकारी मैं दे रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं असीम वकार क्या जी सैयद वकार जी असीम वकार, 10 सेकंड मेक योर पॉइंट। देखिए मैंने साफ तौर पे, आप देखिएगा, मैंने चैनल पे कहा कि समाजवादी पार्टी के एक नेता ने ट्विटर पे वो वीडियो डाला जी, मैंने नाम लिया, मैंने कोई पुष्टि नहीं की,
मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी के एक नेता ने वो वीडियो डाला मुझसे कहा। धन्यवाद इस क्लैरिफिकेशन के लिए, लेकिन आप